Well, good afternoon, everyone. I hope I am audible to all of you. And in the last class, we have discussed what do you call it, modes of analysis. In today's class, we'll proceed further. आज की क्लास में हम आगे करेंगे. Let's start. Well, this is what we have done in the last class. Now today we'll proceed further. Today we need to study the new topic called why is that public sector is required? Why is it that public sector is required, or why do we need public sector? That's the question we will try to answer first in today's class. कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब सवाल ये है कि भाई पब्लिक सेक्टर की क्यों ज़रूरत है हमें, क्यों नहीं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही काम चल सकता है. वाई कांट एवरीथिंग कैन बी लेफ्ट टू द Invisible hands, or what do you call it, market mechanism. कि सवाल ये है कि क्यों हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत होती है, क्यों नहीं हर चीज़ को हम प्राइवेट सेक्टर में या इनविजिबल हैंड्स. जब हम इनविजिबल हैंड्स का बोलते हैं तो ये एडम स्मिथ ने बोला था. एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स बोला किसको, मार्केट फोर्सेस को. जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी हैं, डिमांड एंड सप्लाई. दो तरह की मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई. तो जो डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस हैं, जिसको आप मार्केट मैकेनिज्म भी बोलते हो, कहते हैं उसे, एंड दैट इज़ व्हाट द इनविजिबल हैंड्स आर. कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि सब कुछ मार्केट के हाथ में छोड़ दिया जाए. प्राइवेट प्लेयर्स जो हों, मार्केट मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट सिस्टम होता है, तो ऐसा क्यों है कि व्हाई डू वी नीड द पब्लिक सेक्टर, कि हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ऐसा है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस की ज़रूरत हमें पड़ती है. तो वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. देखो सबसे पहली बात ये है कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एन इकॉनमी, एक इकॉनमी में रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. अब गवर्नमेंट कई तरह के रोल प्ले कर सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट रेगुलेटर का रोल प्ले करती है, कि वो एज अ रेगुलेटर करती है कि जो भी प्राइवेट फॉर्म्स होती हैं उनके लिए, या प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए क्या है, एक तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं जिनसे कि प्राइवेट सेक्टर ठीक ढंग से चल सके. अब रूल्स रेगुलेशंस बनाती है तो इसके लिए गवर्नमेंट एक रोल और प्ले करते हैं, किसको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस किस लिए, भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस इसलिए कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि सपोज करो गवर्नमेंट ना हो,
लेट अस अज्यूम समथिंग लाइक दिस कि गवर्नमेंट नहीं है, ना गवर्नमेंट नहीं है तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, कोर्ट कोर्ट नहीं है हमारे यहाँ पर, यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है. अब मान लीजिए कोर्ट नहीं है, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, जुडिशरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो डू यू थिंक द पीपल्स द इंडिविजुअल्स दैट हैव बीन अंडरटेकिंग डिफरेंट ट्रांजेक्शंस और गेटिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट्स विल रिस्पेक्ट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑनर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स? डू यू रियली थिंक दैट? यस, हेलो स्टूडेंट्स. नो सर. जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, हम किसी शॉप से कोई सामान खरीदते हैं, तो आज उस शॉपकीपर से जब हम सामान लेते हैं तो हमें मालूम है हमने अगर उसको पे किया है तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू डिलीवर टू अस अनलेस अनटिल ही इज अ फेक पर्सन. ऑलराइट, तो इन जनरल टोटैलिटी में क्या होता है कि अगर हम कुछ सामान किसी शॉपकीपर से परचेज करते हैं तो उसे हम फिर पे करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोइंग टू डिलीवर अस द प्रोडक्ट्स. वो ऐसा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है? वो कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज इन केस इफ ही ट्राइज टू चीट अस देन वी कैन गो टू द पुलिस, देन वी कैन स्यू हिम, वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. यस और नो? एंड दीज मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल, हेंस द पीपल आर अबाइडिंग बाय देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर रिस्पेक्टिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर रिस्पेक्टिंग द डील्स दे हैव बीन अंडरटेकिंग, दे आर रिस्पेक्टिंग द ट्रांजेक्शंस. दैट इज द रीजन दे हैव बीन रिस्पेक्टिंग द ट्रांजेक्शंस. Unless until there is law and order maintenance conditions are there, I don't think that the people will be able to transact because wo to fir jungle raj ho jayega. Everybody who means the survival of fittest sort of thing, ki jo sabse zyada taakatwar hoga wahi survive karega, wahi sustain karega, wahi sab cheezon ke business bhi chalayega, wahi production bhi karega, wahi apni marzi ki consumption bhi karega. Ho sakta hai wo kuch kaam na kare, fir dadagiri type chal jaye, hafta lene lagega, kuch is tarah ka. Kya meri baat samajh mein aa rahi hai? To government jo hai ek role play karti hai kis cheez ka, law and order maintenance ka, which is very much important, you know. The second one is the security. Security kya hai? Internal as well as external. Internal security जो हमारा पुलिस देखती हैं, और external security जो हमारी आर्मी देखती है, तो जिसको हम डिफेंस बोलते हैं. तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की ज़रूरत जो है वो सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो अब क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के, फिर दूसरा है Required laws, जिस भी फील्ड में है. जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, बिजनेस लॉ है, तो बिजनेस लॉ के अलग प्रोविजंस हैं, वो लॉ अलग है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए. ठीक है, और मान लीजिए क्या कहते हैं कि अगर कंपनी लॉ है तो कंपनी लॉ में कंपनी किस तरह से इस्टेब्लिश की जाएगी, ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के अलग लॉज हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल यूनिट को इस्टेब्लिश करने के अलग व्हाट डू यू कॉल इट रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं. तो गवर्नमेंट क्या करती है एटसेट्रा, गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के मैकेनिज्म हमें एनवायरमेंट देती है, एनवायरमेंट देती है जिसमें कि प्रोडक्शन इजीली और हेल्दी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती हैं. नहीं तो पायरेट्स हो जाएंगे सभी लोग, लूटपाट मचाएंगे. तो ये गवर्नमेंट का रोल होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दूसरा क्या है, पब्लिक सेक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज मार्केट मैकेनिज्म cannot provide all the goods required for society. जिसको हम लोग social goods भी कह सकते हैं, कि market mechanism जो है वो social goods provide नहीं कर सकता.
मार्केट मैकेनिज्म सोशल गुड्स प्रोवाइड ना करने का मतलब क्या है कि भाई जो जो क्या कहते हैं कि मार्केट है उसमें, अब देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट गुड्स और दूसरे कहलाते हैं सोशल गुड्स, जिनको समटाइम्स यू आल्सो कॉल्ड एज पब्लिक गुड्स, यू नो एज दे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, एज दे आर कॉल्ड एज द पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं कि बेनिफिट्स फिट्स आर एक्सटेंडेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं तो प्राइवेट गुड्स में जो बेनिफिट होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि जो भी बेनिफिट मिलेगा किसी इंडिविजुअल को वो उस इंडिविजुअल को मिलेगा। मान लीजिए मैंने पेन खरीदा अपने लिए तो उस पेन का बेनिफिट मुझे मिलेगा, मैं ही यूज करूंगा उस पेन को, यानी कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी मर्जी के बिना कोई उस पेन को यूज नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट इट मींस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटे आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स आर यू देयर? हेलो यस सर। हाँ समझ में आ रहा है। तो जो प्राइवेट गुड्स हैं उनमें जो बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट गुड्स से जो बेनिफिट मिलना होता है वो एक्सटेंड होता है किस पर? प्राइवेट इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ एक्सटेंडेड होता है, यानी कि एक तरीके से जो प्राइवेट गुड्स हैं उनमें अब इंडिविजुअल की तरफ क्यों एक्सटेंडेड होता है? क्योंकि प्राइवेट गुड्स में राइवल कंजम्पशन कैसी होती है? राइवल होती है एंड कंजम्पशन कैसी है? एक्सक्लूडेबल है। कंजम्पशन राइवल होती है और कंजम्पशन एक्सक्लूडेबल होती है। राइवल कंजम्पशन मींस क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन अफेक्ट्स द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर्स। क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन अफेक्ट्स द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर्स, कि जो एक ने जो क्वांटिटी कंज्यूम की उससे दूसरा जो क्वांटिटी कंज्यूम करेगा उस पर अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि क्वांटिटी कंजम्पशन जो होती है वो राइवल होती है। राइवल मतलब कॉम्पिटिटिव होता है वहाँ पर। कॉम्पिटिटिव मतलब अगर मान लीजिए पूरी मार्केट में जो वीट की सप्लाई है या वीट की अवेलेबिलिटी है वो 100 kg की है, अगर उसमें से 80 kg मैं अकेला परचेज करके ले आया तो रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए तो 20 kg रिमेनिंग रह गया ना। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? यस सर। रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए तो सिर्फ 20 kg अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? राइवल, कि हाउ मच आई विल बाय और हाउ मच आई विल कंज्यूम इज गोइंग टू डिटरमाइन हाउ मच अदर्स विल बी एबल टू कंज्यूम, इजंट इट? एंड दैट इज व्हाट द राइवल नेचर मींस। दैट मींस द कंजम्पशन इज राइवल इन नेचर, कि जो कंजम्पशन है वो राइवल होती है नेचर में, कि एक ने क्वांटिटी कंज्यूम की तो दूसरे पे उस पे अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल मींस इंडिविजुअल हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज प्रोडक्ट। कि जो इंडिविजुअल है उसको क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, उसको एक्सक्लूसिव राइट होता है। एक्सक्लूसिव राइट होता है किस चीज का? एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो उस प्रोडक्ट को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। दैट मींस ही कैन एक्सक्लूड अदर्स, और यू कैन से फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू कि सेलर कैन एक्सक्लूड हु विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट, हु विल नॉट बी गेटिंग द प्रोडक्ट। सेलर एक्सक्लूड कर सकता है। वो एक्सक्लूजन किसके थ्रू होता है? थ्रू प्राइस। कि जब हम प्राइस पे करते हैं किसी चीज का तो उसके थ्रू हम प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो
लेट्स अज्यूम हम एक शॉप पर गए, एक रेस्टोरेंट में गए सपोज करो खाना खाने के लिए। तो अब रेस्टोरेंट में ओनली दोज पीपल विल बी एबल टू हैव द फूड हु विल बी एबल टू पे, हु हैज द पेइंग कैपेसिटी। जिनके पास पैसा है सिर्फ वही रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं है दे विल नॉट बी एबल टू हैव द फूड ओवर देयर, वो वहां पर फूड कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो रेस्टोरेंट क्या है, एक्सक्लूड करता है किसको फूड देना है किसको नहीं देना है। तो वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं को सर्व करेगा हु विल बी पेइंग फॉर दैट फूड। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्राइस होता है किसी भी कॉमोडिटी का, तो प्राइस से क्या होता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता है कि हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कंजम्पशन से, कंजम्पशन करने से, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से एक्सक्लूड कर सकते हैं कंजम्पशन करने से। उसके बाद आता है ये मतलब है किसका, प्राइवेट गुड्स का। अब ऐसे ही आता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है अपना, अभी मैक्रो में भी, इसमें मनी बैंकिंग में भी आप लोगों को पढ़ाया था पब्लिक गुड्स, तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स दीज आर नॉन राइवल इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। इन कंजम्पशन कि कंजम्पशन में नॉन राइवल भी होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। नॉन राइवल होने का मतलब क्या है, दैट मीन्स क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन डज नॉट अफेक्ट क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर्स। क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर्स, कि एक कंज्यूमर ने जो क्वांटिटी कंज्यूम की है उससे किसी दूसरे कंज्यूमर की क्वांटिटी कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो कहलाता है नॉन राइवल इन कंजम्पशन। जैसे सपोज करो पार्क बना देती है गवर्नमेंट, पार्क्स होते हैं ना, तो पार्क्स में सपोज करो मैं घूम रहा हूँ तो उससे आपके घूमने की कोई क्वांटिटी कम तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं पार्क में जाके घूम लिया या मैंने सैर सपाटा वहां कर लिया तो किसी और के लिए पार्क बचा ही नहीं, कंज्यूम हो गया सारा पार्क, दैट इज दैट कैन बी रीयूटिलाइज्ड, यू नो इजंट इट। तो क्वांटिटी कंज्यूम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम रहती है लगभग सभी कंज्यूमर्स की, तो वो कहलाते हैं नॉन राइवल इन कंजम्पशन। सिमिलरली इज द नॉन एक्सक्लूडेबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनी वन, दैट मीन्स इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव पेड और नॉट। कि नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन का मतलब यह है कि आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स को। एक्सक्लूड करने का मतलब है आप अपनी मर्जी से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, यानी कि उनको चाहे उन्होंने उसके लिए प्राइस पे किया है चाहे प्राइस पे नहीं किया है, बट यू विल नॉट बी एबल टू व्हाट डू यू कॉल इट, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम हैविंग द बेनिफिट्स आफ्टर दैट। अब सड़क बन गई, अब जिन लोगों ने टैक्स पे किया वो भी सड़क को यूज करते हैं और जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया वो भी सड़क को यूज करते हैं, सभी सड़क को यूज कर रहे हैं, या सुनो। तो आप जिन्होंने सड़क को यूज किया, टैक्स पे किया सड़क को यूज करने के लिए, वो उनको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने टैक्स पे किया सिर्फ वही सड़क पे चलेंगे और जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया वो नहीं करेंगे, तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो पब्लिक गुड्स में।
ठीक है ना। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन होते हैं, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। वेट फॉर अ व्हाइल। वेल यस, सो द पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन। इसी तरह पब्लिक गुड्स कुछ सेमी पब्लिक गुड्स भी होते हैं, ये देखिए कुछ सेमी पब्लिक गुड्स भी होते हैं। अब सेमी पब्लिक गुड्स उनको कैसे कहते हैं हम लोग, कि दे आर एक्सक्लूडेबल बट एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल इन कंजम्पशन। दे आर एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल मतलब कि वो एक्सक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन कि आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो, बट राइवल नहीं है वो कंजम्पशन में। इसका मतलब हो गया कि प्राइस है, हुम एवर विल पे विल बी इंजॉइंग दैट प्रोडक्ट, बट दे आर नॉन राइवल। द क्वांटिटी इंजॉयड और कंज्यूम्ड बाय वन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर्स, लाइक सिनेमा हॉल्स। जो सिनेमा हॉल्स हैं उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक्सक्लूडेबिलिटी तो है, हुम एवर हैज द टिकट विल बी एबल टू एंटर द सिनेमा हॉल। इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है। बट द जो भी फिल्म वहां पर चल रही होगी दैट वुड बी नॉन राइवल इन कंजम्पशन, दैट मीन्स एवरीबडी वुड बी लुकिंग एट द सेम मूवी, यू नो, और सेम उतना ही फिल्म दिखेगी, स्टोरी दिखेगी जितना है, अनलेस अंटिल कोई खुद ही सो ना जाए, ठीक है ना। खुद सो गया तो उसकी तो बात कोई है नहीं, बट वैसे सबको इक्वल क्वांटिटी उसकी कंज्यूम्ड होती है। तो इस तरह के गुड्स को हम सेमी पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। कुछ होते हैं प्योर पब्लिक गुड्स, कुछ इसी तरह से प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं, प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स जिनमें एक्सक्लूडेबिलिटी है ही नहीं, जैसे डिफेंस। डिफेंस इज द प्योर पब्लिक गुड्स, कि ये एक प्योर पब्लिक गुड्स है जिसकी जो नॉन राइवल है कंजम्पशन में और नॉन एक्सक्लूडेबल है, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, सब लोग इक्वली व्हाट डू यू कॉल इट, इक्वली डिफेंडेड है बाय आर आर्मी। तो अब जो सोशल गुड्स हैं या आप कह लीजिए पब्लिक गुड्स हैं, ये क्या करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म इज अनेबल टू प्रोवाइड, मींस मार्केट मैकेनिज्म फेल्स टू प्रोवाइड दीज गुड्स, जिसको हम बोलते हैं मार्केट फेलियर। मार्केट मैकेनिज्म जो होता है, यानी कि डिमांड सप्लाई की फोर्सेस जो हैं, वो पब्लिक या सोशल गुड्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। प्रोवाइड क्यों नहीं करा पाते हैं सोसाइटी को, भाई सिंपल सी रीजन है कि अगर वो प्रोवाइड कराएंगे पब्लिक गुड्स को, मार्केट प्रोवाइड कराएंगे, तो हाउ दे आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइस, हाउ द प्राइस विल बी डिटरमाइंड, दैट इज द पॉइंट। रीजन बीइंग, अब मान लीजिए पूरे देश में सब लोग रह रहे हैं, सबसे कहेंगे भाई आर्मी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे भाई होना चाहिए, तो आर्मी को होना चाहिए, तो लाइए बताइए कौन क्या कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, फंड्स तो लगेंगे ना आर्मी को मेंटेन करने के लिए, तो पैसे चाहिए, बताओ कितना कितना कौन कौन कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, हाउ द प्राइस विल बी डिटरमाइन। तो उसमें इस केस में क्या होता है, देयर मे बी सम फ्री राइडर्स, देयर मे बी सम फ्री राइडर्स, मुफ्त खोर जिसको हम बोलते हैं, कि फ्यू पीपल्स में से दैट आई डोंट वॉन्ट टू पे, आई डोंट वॉन्ट टू बी डिफेंडेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन और समथिंग लाइक दैट,
आई डोंट वॉन्ट टू बी डिफेंडेड, आई डोंट वॉन्ट दिस आर्मी टू बी देयर। कह देगा मुझे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम्हें करना तुम लगाओ आर्मी, क्योंकि अगर एक बार आर्मी, वेदर आई एम पेइंग फॉर दैट और समवन एल्स इज पेइंग फॉर दैट, वंस द आर्मी इज बीइंग डिपोर्टेड टू द डिप्लॉयड टू द यू नो बॉर्डर्स, देन एवरीवन विद इन द बॉर्डर्स आर बीइंग यू नो डिफेंडेड और सेफ, इजंट इट? कि भाई एक बार हमने आर्मी को बॉर्डर पे लगा दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु हैड पेड फॉर दिस, सभी का क्या कहते हैं कि डिफेंस हो जाएगा उससे, सभी की सिक्योरिटी एंश्योर हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, सभी की सिक्योरिटी एंश्योर हो जाएगी इसलिए क्या है कि जो क्या कहते हैं कि जो पब्लिक गुड्स हैं या सोशल गुड्स हैं उनको मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि उसका प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाता। प्राइस क्यों नहीं डिटरमाइन होता? क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट, और दूसरी बात यह कि वंस दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड, वंस द पब्लिक गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम इट्स कंजम्पशन, एंड यू कैन नॉट, देयर इज नो राइवलरी इन द कंजम्पशन, हेंस यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम कंज्यूमिंग दीज गुड्स। तो इसलिए क्या है कि पब्लिक सेक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब दूसरा कंसेप्ट जो है इसमें आता है आगे कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो नेशनल सोशल गुड्स होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं, और एक लोकल सोशल गुड्स होते हैं। एक तो नेशनल सोशल गुड्स होते हैं, नेशनल सोशल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है, जो नेशन वाइड बेनिफिट पहुंचाते हैं, इसी तरह सैटेलाइट, नेशनल डिफेंस हो गया, लेट अस अज्यूम, और इसी तरह लोकल सोशल गुड्स कौन से हो गए, लोकल सोशल गुड्स हो गए स्ट्रीट लाइट्स। अब मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में या हमारे गली मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो तो हमारे गली मोहल्ले के लोगों को बेनिफिट पहुंचा रही है, पूरे नेशन को तो बेनिफिट नहीं पहुंचा रही वो, है कि नहीं? तो जिस मोहल्ले में, जिस लोकेलिटी में जो कोई लोकल पब्लिक गुड प्रोवाइड किया गया है वो उस लोकेलिटी के लिमिटेड पर्सन को ही बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो सभी को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है। तो इसलिए क्या है कि लोकल सोशल गुड्स भी होते हैं और नेशनल सोशल गुड्स भी होते हैं। नेशनल सोशल गुड्स क्या है, वो पूरे के पूरे नेशन को क्या कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये बेनिफिट जो होता है, बेनिफिट इज स्प्रेड अक्रॉस नेशन। ठीक है, यहां क्या है, बेनिफिट इज स्प्रेड विद इन द लोकेलिटी, विद इन द लोकेलिटी, कि जो बेनिफिट्स हैं वो विद इन द लोकेलिटी भी, विद इन द लोकेलिटी रहते हैं लोकल सोशल गुड्स। दूसरी चीज क्या है कि एक, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई सवाल पूछना है स्टूडेंट्स भाई, क्या इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? बेटे जितना अब तक कराया मैंने उससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। हाँ बोलिए, कोई पूछ रहा है? चलिए फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखो दो टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे, एक है पब्लिक प्रोविजन, एक है पब्लिक प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई एक प्राइवेट गुड हो सकता है, उस प्राइवेट गुड को प्रोड्यूस पब्लिक कर सकती है यानी कि गवर्नमेंट कर सकती है, और उसी प्राइवेट गुड को
प्रोड्यूस कौन कर सकता है? प्राइवेट फर्म भी कर सकती है। तो ये हो गया पब्लिक प्रोडक्शन, पब्लिक प्रोविजन हो गया कि जो पब्लिक गुड्स हैं, जो पब्लिक गुड्स हैं वो पब्लिक प्रोविजन है, जिनमें पब्लिक का पैसा खर्च हुआ है, पब्लिक के फंड्स यूज हुए हैं, और जो पूरी सोसाइटी के लिए है। तो पब्लिक प्रोडक्शन एक अलग चीज है और पब्लिक प्रोविजन एक अलग कंसेप्ट है। इज दैट ओके? हेलो 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 स्टूडेंट्स, सर एक बार ही दोबारा बता दो ये पब्लिक प्रोविजन, पब्लिक प्रोडक्शन। देखो पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, चाहे वो पब्लिक गुड हो चाहे वो प्राइवेट गुड हो, तो वो हो गया पब्लिक प्रोडक्शन। ठीक है, पब्लिक प्रोविजन का मतलब हो गया कि गुड्स पब्लिक गुड्स हैं और उनका प्रोविजन पब्लिक के लिए है, पूरी सोसाइटी के लिए है। ये तो चाहे सरकार, मान लो पेन की फैक्ट्री है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है पेन बनाने की, पर पेन खरीदेगा तो वो इंसान जो पैसा पे करेगा, और एक एक्स पेन यूज कर रहा है तो वाई उस पेन को यूज नहीं कर पाएगा, यस और नो? तो कमोडिटी तो प्राइवेट हो गई ना, भले ही प्रोडक्शन जो है पब्लिक है। हेलो, यस सर, ठीक है, बट पब्लिक प्रोविजन का मतलब हो गया कि पब्लिक गुड्स हैं वो, यानी कि वो चाहे प्रोड्यूस कोई भी कर रहा है पर उनको प्रोवाइड किया और कराया जा रहा है पूरी सोसाइटी को, पूरी की पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड किया जा रहा है, यस और नो? यस सर, ठीक है। तो पब्लिक प्रोविजन और ये पब्लिक प्रोडक्शन, इज दैट ओके? हेलो, यस सर, शैल वी प्रोसीड? यस सर। नाउ कम्स द सर, हाँ यस प्लीज सर, कैन यू एक्सप्लेन बाय एग्जांपल्स? सपोज इफ देर इज अ फैक्ट्री, गवर्नमेंट फैक्ट्री टू प्रोड्यूस, यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, शूज, कि सरकारी कोई कंपनी है जो शूज बनाती है, तो वो पब्लिक प्रोडक्शन हो गया। कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पर कॉमोडिटी जो वो प्रोड्यूस की रही है वो किस नेचर की है? पब्लिक ने, वो प्राइवेट नेचर की है, कि जो कंज्यूम करेगा, जो राइवल भी होगी कंजम्पशन में और एक्सक्लूडेबल भी होगी, तो वो पब्लिक प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, पब्लिक प्रोविजन का मतलब हो गया कि भाई चाहे प्राइवेट फर्म उसे प्रोड्यूस कर रही है पर वो कॉमोडिटी जो है वो बन पर पब्लिक के लिए ही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, या मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट टेंडर दे देती है ना रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। हेलो, तो वो कॉमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो भला ही प्राइवेट कंपनी है, पर जो वो कॉमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोविजन पब्लिक है ना उसका, वो पब्लिक गुड हो गया, सोसाइटी के लिए हो गया पूरा। ठीक है सर, हाँ बोलो सर। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों इन्वॉल्व है, तो है। वो पब्लिक प्रोविजन में आएगा ना? हाँ, पब्लिक प्रोविजन में आएगा, वो तो फिर मिक्स्ड हो गया ना बेटा, वहां तो दोनों चीजें ओवरलैप कर दी ना हमने, मिक्स्ड हो गया ना वो, भाई प्राइवेट फर्म भी प्रोड्यूस कर रही है, पब्लिक गवर्नमेंट फर्म भी प्रोड्यूस कर रही है। यस सर, बट सर बोलिए, हु इज दिस सर? लेकिन ले सर, मुस्तफिर। हाँ मुस्तफिर बोलो सर। बता रहे जो रोड का जो एग्जांपल दिया अभी, वो तो लेकिन प्रोड्यूस तो पब्लिक के लिए हो रहा है ना, फ्री है, मतलब प्राइस भी नहीं। मैं कह रहा हूँ वो कॉमोड, वो पब्लिक प्रोविजन हो गया। हाँ। पर प्रोडक्शन का पॉइंट ऑफ देखेंगे तो वो पब्लिक प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, वो मिक्स्ड हो गया, क्योंकि पब्लिक सरकारी कंपनी भी प्रोड्यूस कर रही है और प्राइवेट फर्म दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रही है, कोलैबोरेटेड होगी ना वो तो फिर। ओके सर, यही तो पूछा है ना इन्होंने क्वेश्चन, ठीक, इनका जो क्वेश्चन है वो यही है ना। ठीक है, यस। तो ये जो हमने डिस्कस किया है अभी, ये कहलाता है एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेशन फंक्शन, कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। ठीक है, एलोकेशन फंक्शन कहलाता है। इज दैट ओके? ओके सर, ठीक है।
दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम देखते हैं पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन के डिटरमिनेंट कौन कौन से हैं। तो वेल डिटरमिनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वी कैन से, तो फर्स्ट द पॉइंट इज फैक्टर एंडोमेंट्स, हु ओन्स हाउ मैनी रिसोर्सेज, हाउ मच रिसोर्सेज, और जिनकी जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उसकी अर्निंग कैपेसिटी या वेल्थ उसके पास उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है पर्सनल अर्निंग कैपेबिलिटीज, पर्सनल अर्निंग एबिलिटीज, कि पर्सनल अर्निंग एबिलिटीज क्या क्या है। तीसरा है ओनरशिप ऑफ एक्यूमुलेटेड एंड इनहेरिटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड एंड इनहेरिटेड वेल्थ, ये डिटरमाइन करते हैं किस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को, कि वेल्थ और इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी कि विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गोइंग टू गेट हाउ मच रिसोर्सेज एंड हाउ मच डिमांड वुड बी जनरेटेड बाय विच ऑफ द सेक्टर्स। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इज दैट ओके? हेलो हेलो, यस सर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार टैक्स ट्रांसफर स्कीम्स चलाएगी, टैक्स ट्रांसफर स्कीम्स चलाती है कि रिच सेक्शन से टैक्स को पुअर सेक्शन पे ले जाए, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब गवर्नमेंट किस लिए करती है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको, इनकम का अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी इकोनॉमी में तो उसको फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सके। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तीसरा आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, यहीं पे लिख देते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन है कि भाई इकोनॉमी में जो क्या कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस होती हैं, चाहे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे पॉवर्टी है, एटसेट्रा, इस तरह की प्रॉब्लम्स को कंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन की दो पॉलिसीज सजेस्ट की गई हैं जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द अनदर वन इज फिस्कल पॉलिसी और यू कैन से द इंस्ट्रूमेंट्स। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, इज दैट ओके? तो
ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें अगर किसी इस आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है, ये मैंने जल्दी से इसलिए बताया बिकॉज रिसेंटली हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मैक्रो में पढ़ी थी। इनको आगे डिटेलिंग में जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आगे और डिटेल में करेंगे। फिलहाल दिस वॉज दो। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है, इतना जो भी कराया उससे रिलेटेड, तो सवाल पूछ लीजिए। हैं, कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन? हेलो, स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है आप में से? सर नो सर, पहले इनरोलमेंट बता दो। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या है? सर फैक्टर इनरोलमेंट। फैक्टर एंडोमेंट मींस हाउ मेनी फैक्टर्स डू यू ओन। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने फैक्टर्स आपके पास हैं अपने खुद के, दैट इज द फैक्टर एंडोमेंट। ठीक है, ओके। तो कोई और क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस। वेल ठीक है फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही करेंगे, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फ्राइडे को प्रोबेबली।